यहां आपको क्या दिख रहा है? पर क्या यह कोरा कागज नहीं है जिसका आप उपयोग भी कर सकते हैं? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों? रास्ते में कांटा पड़ा हो और आपके वहां से गुजरते ही कांटा आपके पैर में चुभ जाता है, ऐसे में आप किसे दोषित मानेंगे? जब आपको कोई बीमारी होती है तब आप किसे दोषित मानेंगे? हमें लगता है कि हमारे जीवन में किसी और की वजह से ये तकलीफ आ गई, लेकिन बहुत गहरा सोचते हैं तो इन गहराइयों में से आपको यही मिलेगा कि अंत में तो सारे दुख का मूल तो हम खुद ही है। कोई लाख हमें दुख देने आया, पर उसकी असर हमें जब होने लगी तब यह सब मामला शुरू हुआ ना। हमें कुछ असर ही ना हो, हमारी दृष्टि इस बात को देखने की कुछ अलग ही हो, जिस दृष्टि से देखने से हमको दुख होता है, वही दृष्टि हम कुछ अलग तरह से देखें जिससे हमें सुख ही लगे, दुख ना लगे। तो ऐसी दृष्टि मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। हालांकि बाहर के संजोग को बदलना इतना आसान नहीं है, हाँ हमारी दृष्टि को बदलना ये हमारे हाथ में है। हमारा यही पुरुषार्थ है कि हमारी दृष्टि नई दृष्टि से देखो। पुरानी दृष्टि तो कितने सालों से, यहाँ तक कि जन्मों जन्म से यही दृष्टि से चलते आए हैं, कुछ नई दृष्टि से देखो तो शायद यह दुख का जो सारा पहाड़ हमारे सर पर गिर गया है वह फूल जैसा लगेगा। और यह हमने देखा है, खुद ने अनुभव किया है और कई लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि दृष्टि देखने की कुछ और होती है, बदल देते हैं, पहाड़ जैसे दुख को फूल जैसा झेल लेते हैं।